हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन सिंपल मैकेनिज्म यूट्यूब चैनल। आज हम वेल्डिंग शॉप के जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो वेल्डिंग शॉप में जैसे बट जॉइंट, लैप जॉइंट और टी जॉइंट, इस तरह के जो जॉइंट बनाते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक जो माइल स्टील की एक फ्लैट लेनी होगी, जिसका हमने प्रॉपर मेजरमेंट करना होगा। माइल स्टील की फ्लैट को हम जो है 50 mm पे मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्राइबर। तो स्क्राइबर जो होता है वो एक मार्किंग टूल होता है, तो हम इस तरह मार्किंग स्क्राइबर से यहाँ पर मार्क लगा लेंगे और ट्राइस्केयर की हेल्प से हम एक बिल्कुल सीधी एक लाइन लगाएंगे, ताकि हम जब कटिंग करेंगे तो अब तब हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद में हमें बेंच वाइज पे ले जाना है हमारी माइल स्टील फ्लैट को, और बेंच वाइज में हमें इस तरह उसको फिट कर लेना है। बेंच वाइज के टू जो पार्ट्स हैं, जैसे टू जा है इसमें, एक तो फिक्स होती है और दूसरी जा है जो वो मूवेबल होती हैं। तो हमने जो हैंडल है इसका, इसकी हेल्प से इसको इसमें फिट कर लेना है। इसे स्पिंडल कहते हैं हम, और ये हैंडल है। और इस हैंडल को हम जब रोटेट करते हैं तो रोटेट होने के कारण इसके नीचे स्क्रू थ्रेड जो होते हैं, स्क्रू थ्रेड के होने के कारण ये टाइट हो जाती है, किसी चीज़ को टाइट कर देता है और लूज़ कर देता है। तो हमने MS फ्लैट को इस तरीके से इसको हमने इसमें होल्ड कर लेना है। फिर कटिंग टूल जो हैंड हैक्स आए, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है ब्लेड, जिसकी जो डायरेक्शन है, टीथ की डायरेक्शन है जो फॉरवर्ड होनी चाहिए, और जो उसका दूसरा पार्ट है वो है हेक्सा फ्रेम, और फिर हैंडल। 3 पार्ट होते हैं इसके मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो हमने मार्किंग, जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ पर टीथ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम एक कट प्रोड्यूस करेंगे, छोटा सा कट प्रोड्यूस करने के बाद में हम हैंड हेक्सा की हेल्प से पूरे पीस को हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आपकी जो डायरेक्शन है कटिंग की वो इस तरह होनी चाहिए, तो आप इजी टू विद हेल्प ऑफ हैंड एक्सा आप कटिंग कर सकते हो। तो आपने 50 mm का पीस काटना है, तो 50 mm का पीस काटने के बाद हम सीधा हमारे वेल्डिंग सेट में जाएंगे, जिसमें जो अर्थिंग होती है, जो अर्थ होल्डर होता है वो हमारा हमारे वर्क पीस के साथ होता है, और जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो हमारा इलेक्ट्रोड के साथ होता है। तो इस तरह से हम जॉइंट बनाएंगे। पहले हम लैप जॉइंट बनाएंगे। तो लैप जॉइंट क्या होता है, एक फ्लैट के ऊपर दूसरा ओवरलैप करके अगर जॉइनिंग करेंगे तो उसको हम लैप जॉइंट कहते हैं। तो लैप जॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह रख के उसके ऊपर टैकिंग करेंगे, जो पॉइंट लगाते हैं हम उसको टैकिंग कहते हैं। तो टैकिंग करने के बाद फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लगाएंगे, ताकि हमारी जो जॉइंट बाद में जब कंप्लीट करें तो वो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोनों साइड से हमने टैकिंग करनी है सबसे पहले, उसके बाद में पूरी एक लेयर प्रोड्यूस करनी है वेल्डिंग की। तो हम इलेक्ट्रोड जो है इस तरह इसमें फिट करेंगे इलेक्ट्रोड होल्डर में, और उसके बाद में हम जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक एक वेल्डिंग की लेयर लगा देंगे पूरी। इस तरह से हमारी जो वेल्डिंग है वो डन हो जाएगी। तो जब हम फ्लैट के ऊपर दूसरी फ्लैट को ओवरलैप कर देंगे तो जो जॉइंट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते हैं लैप जॉइंट। एक साइड करने के बाद आप दूसरी साइड भी आप वेल्डिंग की जो लेयर है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें जो इलेक्ट्रो की डायरेक्शन है वो इस टेप पर रखनी होगी आपको थोड़ी सी, जैसे बट जॉइंट में हम सीधी रखते हैं, इसमें थोड़ा सा जॉइंट के अकॉर्डिंग हमें इसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो हमने दूसरी लेयर जो है इस तरह कंप्लीट कर देनी है, और हमारा जो वेल्डिंग का जो जॉइंट है लैप जॉइंट वो कंप्लीट हो गया। हमने 2-3 पीस काट की कटिंग कर लेंगे पहले स्टार्टिंग में 50 mm की, ताकि हमने पहले लैप जॉइंट बना दिया। उसके बाद में जब हम जो हमने जॉइंट बनाना है वो है टी जॉइंट। तो टी जॉइंट बेसिकली सीधा टी की शेप में होता है। तो आपने एक प्लेट रखनी है, उसके ऊपर दूसरी जो प्लेट वो इस तरह रख के, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फिर टैकिंग करनी है। टैकिंग करने के बाद में आपने फिर इसकी ज्वाइनिंग कर देनी है। तो ज्वाइनिंग का वही जो मैकेनिज्म है, पहले आपने टैकिंग करने के बाद एक पूरी लेयर लगानी है, वो भी दोनों डायरेक्शन में। इसमें जो वेल्डिंग होती है वो फिलेट होती है,
तो दो कॉर्नर के बीच में जो वेल्डिंग होती है इसे फिलेट वेल्डिंग भी बोल देते हैं। तो आप इस तरह इस वेल्डिंग को डन कर सकते हो। दोनों साइड में हमने वेल्डिंग करनी होगी ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहे। अगर आपको जैसे रिक्वायर्ड है, अगर आपने एक साइड में करनी होती है तो भी वो टी ज्वाइंट ही बनता है, तो इसके हम टी ज्वाइंट कहते हैं। उसके बाद में जो हमने ज्वाइंट प्रोड्यूस करना है वो है हमारा बट ज्वाइंट। तो वो सिंपल है, बट ज्वाइंट को हम दोनों जो फ्लैट हैं वो एक दूसरे के सामने रख के उसके जो दोनों का बीच में जो गैप होता है उस पर हमने वेल्डिंग करनी होती है। तो इस पर सबसे पहले हम टैकिंग करेंगे, वैसे जो हमने पहले जो प्रोसीजर किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी टैकिंग करनी है और उसके बाद में जो वेल्डिंग ज्वाइंट है वो डन कर देना है। तो ये हमारा जो वेल्डिंग ज्वाइंट है वो बट ज्वाइंट भी कम्प्लीट हो चुका है।